नमस्कार, केपी किचन में आपका स्वागत है। आज हम रोस्टेड टमाटर की चटनी बना रहे हैं, ये रेस्टोरेंट स्टाइल में। सबसे पहले हमने 10 टमाटर लिए हैं, उनको हम रोस्ट करेंगे। 4-5 हरी मिर्ची और 1 लहसुन की गांठ को हम सबको रोस्ट कर चटनी बनाएंगे। ये हम मीडियम फ्लेम पे ही इसको रखेंगे रोस्ट करने के लिए। अभी हमारे टमाटर सब अच्छे से भून चुके हैं, मिर्ची भी भून गई है, लहसुन भी। उसके बाद ठंडा होने के बाद हम इसका छिलका उतार लेंगे सबका। छिलका उतारने के बाद सबसे पहले हम लहसुन और मिर्ची को मिक्सर में पीसेंगे, उसके बाद टमाटर। और हमने लहसुन मिर्ची को पीस लिया, उसके बाद हम इसमें टमाटर को पीसेंगे। टमाटर को महीन नहीं पीसना, हमको दरदरा पीसना। ये देखिए, हमने साथ में फिर हम तीनों को पीस चुके हैं। अब इसमें 1 चम्मच हमने भुना जीरा डाला है और 1 चम्मच नमक डालेंगे। नमक आप स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं इसमें। इसको मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच मिर्ची डालेंगे। हमने कश्मीरी लाल मिर्ची डाली है। आप यदि तीखा खाना पसंद करते हैं तो मिर्ची को डाल सकते हैं। ये हमारी चटनी बनकर तैयार हो गई है। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है और आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, और बन भी बहुत जल्दी जाती है। यदि मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।